नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने टॉपिक शुरू किया था तत्सम तद्भव शब्द। तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भाई इस क्लास को अपन बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनों ने पिछली क्लास में तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ा था उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने तत्सम शब्द लिख रही हूँ, आप उनके तद्भव रूप लिखते जाइएगा। चलिए पहला शब्द आपके सामने है उत्साह, उत्साह। दूसरा शब्द आपके सामने है उपालंब। तीसरा शब्द आपके सामने है उद्वार्तन। तीसरा शब्द आपके सामने सॉरी अगला शब्द आपके सामने है अग्रवर्ती। आगे आपके सामने है अक्षय। उसके बाद आपके सामने शब्द है अज्ञा। ये लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द हैं, इनका आप तद्भव रूप बनाइए। उतने तक अपन कुछ शब्द और देख लेते हैं। देखिए एक और तत्सम शब्द आपके सामने है अज्ञानी। एक शब्द आपके सामने है अंधकार। अमृत। और इसके अलावा एक शब्द आपके सामने है अर्क। और एक शब्द आपके सामने है अवतार। ये लीजिए ये कुछ तत्सम शब्द आपके सामने हैं जिनका तद्भव रूप अपने को बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। उत्साह का होता है उत्साह, उत्साह। उपालंब की यदि बात करें तो किसी को उपालंब देना यानी उल्हारना देना, या अपन राजस्थानी में सामान्य आम बोलचाल की भाषा में देखें तो ओलमा, तो वो शब्द ही क्या होता है उपालंब या उल्हाना होता है। तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है उल्हाना। उसके बाद उद्वर्तन। उद्वर्तन आपने सुना होगा किसी शादी विवाह में उबटन लगाना, तो उसी उबटन को ही अपन क्या कहते हैं तत्सम रूप में उद्वर्तन कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा उबटन हो जाएगा उबटन। अग्रवर्ती, जिस प्रकार से अनार या अनाड़ी किया था उसी प्रकार से अग्रवर्ती यानी आगे वाले को अगाड़ी भी बोल देते हैं, ये सामान्य रूप में अपन बोल देते हैं। अक्षय, आपने नाम तो सुना होगा अक्षय तृतीया यानी अखातीज, ये किसानों का एक अच्छा त्योहार माना जाता है। तो उसी प्रकार से यदि अक्षय की बात करें तो अक्षय का क्या हो जाएगा आखा हो जाएगा। और पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि क्षय का या तो खय होता है या क्षय होता है, तो यहाँ पर भी क्षय का खय बन रहा है। उसी प्रकार से यदि अपन अज्ञान की बात करें तो अज्ञान का तद्भव रूप हो जाता है अजान, यानी अज्ञान का मतलब अजान, जो जानता नहीं हो उसे अपन क्या कहते हैं अजान। उसके बाद यदि अपन बात करें इन शब्दों की तो अज्ञानी, अज्ञानी जो किसी बात से अनजान हो तो उसे अपन क्या कहते हैं अनजाना कहते हैं। तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा अनजाना। अंधकार, अब अंधकार के लिए भी आपको पिछली क्लास को देखना पड़ेगा। और यदि कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो इस क्लास में जुड़ रहा है तो वो पिछली क्लास को देख कर आइए, दो तीन नियम मैंने वहां पर बताए थे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई चंद्र बिंदु सदैव किस में जाता है तद्भव में जाता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए अंधकार का क्या बन रहा है अंधेरा, और अंधेरा पर क्या आ रहा है चंद्र बिंदु आ रहा है। उसके बाद यदि अपन बात करें अमृत की तो अमृत के दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं, एक तो अमीय और एक अमीय, दोनों ही।
अक्सर इस शब्द में अपन कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अमीय और अमीय शब्द अपने को ऐसे लगते हैं जैसे तत्समय, परंतु ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है और अमृत तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अर्क की बात करें तो देखिए अर्क का तद्भव रूप आक भी हो जाता है और अरक भी होता है, दोनों ही रूप देखने को मिलते हैं। और मैंने एक चीज और भी बताई थी कि आधे वर्ण सामान्यतः तत्सम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आधा है तो ये तत्सम और पूरा बनाते ही ये किसमें चला गया, तद्भव में चला गया। अवतार, अवतार उसी प्रकार का शब्द है जिस प्रकार का अपनों ने अवगुण देखा था, तो अवगुण का अपनों ने अवगुण कर दिया था, उसी प्रकार से अवतार का अपन क्या करेंगे, अवतार कर देंगे, ये इसका तद्भव रूप हो जाएगा। तो ये थे कुछ शब्द, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और शब्दों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए साथ साथ आप उन शब्दों को भी पॉइंट आउट करते जाइए जो आपको नहीं आ रहे हैं, या फिर आप जिनको पहली बार देख रहे हैं, या फिर ऐसा लगता हो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपन कुछ शब्दों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो उन शब्दों को पॉइंट आउट करते जाइए और उनको एक दो बार बाद में भी, क्लास के बाद भी देख लीजिएगा, ताकि वो हमेशा के लिए अपने शब्द स्थायी हो जाए। चलिए आगे आपके सामने शब्द है एक अग्रणी, उसके बाद है अम्र, उसके बाद अगला शब्द है आदेश, उसके बाद आखेट, और उसके बाद आम्रचूर्ण। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है जिनका तद्भव रूप आपको बनाना है, और इसके अलावा भी कुछ शब्द यदि अपन देखें तो देखिए एक शब्द आता है इष्टिका, ये भी महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है। एक है उज्ज्वल और एक शब्द है घोटक और एक शब्द है घट। ये लीजिए ये कुछ तत्सम शब्द है जिनका तद्भव रूप आपको बनाना है, और उसके बाद चलते हैं अपन आगे। तो देखिए अग्रणी शब्द का तद्भव रूप यदि अपन देखें तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनों ने अग्रवर्ती का देखा था अगाड़ी, उसी प्रकार से इसका भी अगाड़ी तद्भव रूप हो जाएगा। अग्रणी या अग्रवर्ती दोनों ही आगे वाले के लिए आता है, तो उसका सेम तद्भव हो जाएगा। आम्र की अपन जानते ही हैं, आम होता है, और जैसे ही आम्र का आम होता है तो जाहिर सी बात है कि आम्र चूर्ण का अमचूर हो जाएगा, अमचूर। उसके बाद आदेश की बात करें तो आदेश का अलग सा होता है, आयस। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो इस शब्द में, आदेश अपने को तद्भव लगता है जबकि ये तत्सम लगता है, वही अमीय अमीय वाली बात, अमृत और अमीय वाली, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यदि अपन बात करें आखेट शब्द की, तो आखेट का तद्भव रूप अहेर होता है, अहेर। आखेट का शब्दिक अर्थ शिकार करना होता है, शिकार होता है, तो आखेट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अहेर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन बात करें इन शब्दों की तो इष्टिका, इष्टिका का तद्भव रूप होता है ईंट, और उज्ज्वल का, उज्ज्वल अपन स्वच्छ को कहते हैं तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा उजला। गोटक अपन जानते ही हैं, गोटक का तद्भव रूप होता है घोड़ा, और घट का घड़ा। ये भी कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तत्व शब्द थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद सॉरी, ये गोटक घट का क्या हो जाता है, घड़ा, गोटक का घोड़ा तो घट का घड़ा यानी मटका। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इन शब्दों का। और इसी के साथ कुछ शब्द अपनों ने आज भी महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव देखे, और भी शब्द हैं परंतु देखेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और शब्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।